कराहल दौरे पर आए पोहरी विधायक ने वन मंत्री की तुलना बरगद के पेड़ से की और उपचुनाव में पेड़ को उखाड़ फेंकने का जोश कार्यकर्ताओं में भरा। आज कराहल में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पोहरी विधायक कैलाश कुशवाहा आए हुए थे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद विधायक कैलाश कुशवाहा ने उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वर्षों से विधानसभा में रामनिवास रावत के रूप में उग रहे बरगद के पेड़ को उखाड़ फेंकने की बात कही है, जिससे कि न नेता आगे आ सके। कैलाश कुशवाहा ने ये तक कह दिया कि चाहे जैसा भी हो, साम दाम दंड भेद लगा दो, मगर चुनाव जीत कर रहना है। भले ही शासन के खिलाफ है, किसी के डरने की जरूरत नहीं है, हर पोलिंग पर नजर रखनी है, बूथ कैप्चर नहीं होने देना है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, इस पर एकजुट हो जाओ। यदि बरगद का पेड़ नहीं उखाड़ पाओगे तो फिर कभी मत सोचना। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबकी शान बचाने के लिए बरगद के पेड़ को खत्म करना है। अगर अपन सबको जिंदा होना है तो आप सबको नेता बनना है। अगर हमारे हमारी नई पीढ़ी को नेता बनना है तो बरगद के पेड़ को खत्म करना पड़ेगा, जब ही बन पाएंगे। अगर आज अपन बरगद के पेड़ को नहीं काट पाए तो आप कभी उम्मीद ही मत करना। मैं ही कहूंगा, इससे अच्छा मौका बरगद को पेड़ को खत्म करने का कभी नहीं मिलेगा। मेरे सभी साथियों से मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे सभी युवा साथी अपनी अपनी पोलिंगों को कैसे बचाना है, सब तरह से साम दाम दंड भेद हमें, अगर इसके लिए हमें अपने अपने को हमारे बीच का नेता बनाने के लिए चाहे हमें किसी भी तरीके से लड़ना पड़े, हर तरह से पोलिंग पे बूथ कैप्चिंग नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से अपन जीत रहे हैं, बस यह अपनी रक्षा हुई, अपन 1,01,000% चुनाव जीत रहे हैं। और हमें हमेशा के लिए एक जो बरगद के पेड़ के नीचे नए पौधे नहीं उग पाते ना, समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। सामने वाला चुनाव को लड़ रहा है उसमें बिल्कुल ध्यान दो, आप तो ये समझो चुनाव हम खुद लड़ रहे हैं, हमारी जीत होगी। हमने अगर उसको पटक दिया, क्योंकि उसने उसे क्या नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने 6-6 बार टिकट दे दिया, 2 बार सांसद का दे दिया, 6 बार विधायक का दे दिया, मंत्री बना दिया, अब इससे बड़ा गद्दार अब और ढूंढने की जरूरत क्या है। अरे इससे मैं नहीं पटका तो कब पटकेंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं है और विश्वास करो, कॉम्पिटेंस मनोबल बिल्कुल कम मत करना, अपन चुनाव जीत रहे हैं और डरने की जरूरत नहीं है। जहां आपका पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। धन्यवाद।